हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको मोल नंबर्स चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ्स के बारे में सेकंड चैप्टर मोल नंबर्स के बारे में बता रही हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल नंबर्स आपने कई बार सुना होगा, मोल नंबर्स, लेकिन आपने आपको ये पता नहीं होगा कि मोल नंबर्स क्या होता है। मोल नंबर्स क्या होता है, क्या होता है, तो आज हम लोग आपको सबसे पहला वही है टॉपिक हमारा। तो हम लोग नॉर्मली गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मोल नंबर्स में 0 भी आता है। जीरो भी काउंटेड है मोल नंबर्स में। जीरो मोल नंबर है। मोल नंबर है वो कैसे हम लोग बताते हैं। जीरो को होल, अगर हम लोग एक होल बनाते हैं तो वो जीरो बन जाता है ना, इसलिए उसे मोल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड है। तो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक मोल नंबर्स ही होता है। जीरो से लेके इन्फिनाइट तक मोल नंबर्स है। और आपको हम लोग एक और चीज होती है, वो है एक काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि काउंटिंग होते हैं। हम लोग 0 डेस्क काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग 1 डेस्क 2 डेस्क ऐसे काउंट कर सकते हैं, है ना। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 सब काउंटिंग नंबर्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, हम लोग इसमें जानेंगे। प्रेडिसेसर मतलब -1। अभी हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले क्या आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2। ये हुआ प्रेडिसेसर। और सक्सेसर मतलब +1। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9 के बाद में क्या आता है, 9 के बाद में क्या आता है, तो नंबर होगा 10। नंबर होगा 10 होता है वो। ऐसे पी से हम लोग प्रीवियस वीक वर्ड होता है, प्रीवियस मतलब पीछे वाला, इसलिए हम लोग प्रेडिसेसर को पीछे वाला नंबर मानते हैं। और सक्सेसर में हम लोग का एक वर्ड आता है सक्सेस। सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, इसलिए हम लोग सक्सेसर को हम लोग एक नंबर बढ़ाना बोलते हैं। तो ये है। अभी हम लोग ने आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताए, अभी बड़ा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 9, 8, 5, 6, 7। इसका हम लोग प्रेडिसेसर ढूंढेंगे पहले। 2 - 1 हमको क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6, 6, 5, 8, 9। और अगर हम लोग +1 करते हैं, जैसे कि +1, तो आंसर आएगा 8, 6, 5, 8, 9। ये होगा आंसर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है कि हमको मोल नंबर प्लस मोल नंबर करें, मोल नंबर करे तो हमको मोल नंबर ही आंसर आएगा। मोल नंबर्स के बारे में हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। मोल नंबर्स, जैसे कि अगर हम लोग एक ले लें,
ए एक मूल नंबर है, बी भी एक मूल नंबर है और सी भी एक मूल नंबर है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 + 5 = 7 सब मूल नंबर है। हाँ, और अगर हम लोग ऐसे इनटू लाइक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एक मूल नंबर ही आएगा, जैसे कि 5 × 9 = 45। ये हमको सब्ट्रैक्शन और डिविजन में नहीं आएगा, वो इसलिए हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिविजन में वो नहीं होता है। वापस एक बार जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग करें 9 - 8 तो हमको आंसर आएगा 1। हम लोग हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि हमको कोई भी मूल नंबर ही आंसर है। अगर हम लोग करेंगे 8 - 9 तो हमको आंसर -1 आएगा, है ना। -1 एक इंटीजर होता है, मूल नंबर नहीं होता है। मूल नंबर 0 से लेके इन्फिनेट तक ही होता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। अभी डिविजन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग करेंगे 7 / 0 तो हमको आंसर आएगा 0। 0 एक मूल नंबर है, लेकिन अगर उसी वे में हम लोग 0 / 5 करेंगे तो वो होगा मीनिंगलेस, वो होगा मीनिंगलेस, इसलिए हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी में जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका दूसरा नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसका दूसरा नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास 3 नंबर्स है, कोई भी नंबर्स, जैसे कि a + b + c हमारे पास है, तो हम लोग ए और बी को ऐड कर सकते हैं पहले, नहीं तो फिर हम लोग बी या सी को ऐड कर सकते हैं और फिर ए को ऐड करेंगे। हम लोग के पास 2 वेज है, या तो ए बी को ऐड करने के बाद हम लोग सी को ऐड करें, या तो बी सी को ऐड करने के बाद हम लोग ए को ऐड करें। जैसे कि नंबर है 2 + 3 + 7 तो हमको आंसर आएगा, अगर हम लोग को ये करना है 2 + 3 हम लोग करेंगे तो 5 आएगा आंसर, तो हम लोग ब्रैकेट के लिए 5 करेंगे, 5 + 7 = 5 + 7 तो आंसर आएगा हमको 12। और अगर हम लोग इसमें भी ऐसा ही करें, देखें 2 + 3 + 7 और हमको इस बार 3 + 7 करके हम लोग ऐड करें, तो हम लोग पहले = 10 + 2 सो आंसर होगा 12। दोनों में एक ही आंसर आया। ये प्रॉपर्टी में भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन का अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को अभी हम लोग वेट सेम नंबर्स नहीं लेते, लेकिन नए नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 2 × 3 × 1 अगर हम लोग ना 2 × 3 करके फिर 1 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम ही आंसर आएगा, या तो फिर हम लोग 3 × 1 को करके हम लोग 2 को करें तो भी एक ही आंसर आएगा। वो देखिए कैसे 2 × 3 क्या होता है 6, 6 × 1 = 6 एक ही आंसर आया, 6 आया आंसर। अभी हम लोग 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 तो सेम ही आंसर आया दोनों। हाँ, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन और डिविजन नहीं हो सकता है, वो क्यों हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में करें 8 - 7 - 6 हाँ, तो हम लोग सिर्फ 8 - 7 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, 1 - 6
6 हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा हमें -5। और वैसे अगर हम लोग दूसरे वे में करें 8 - 7 - 6, 6 - 1 कितना होता है, 7 - 6 कितना होता है 1। और अगर हम लोग 1 को माइनस करें 8 से, 8 - 1 करें हम लोग तो हमें आएगा -7। इसलिए दोनों आंसर मिलते जुलते नहीं है। अगर हम लोग ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग कोई भी वे से करें हमको एक ही आंसर आना चाहिए इसलिए, और डिविजन भी नहीं हो सकता इसलिए। अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है ऑर्डर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग 2+3 करें या 3+2 करें तो हमको आंसर एक ही आएगा, वो है 5, 5। हमको आंसर एक ही आएगा तो मतलब हम लोग ऑर्डर चेंज करके भी हमको आंसर एक ही आएगा तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। अभी हम लोग इसमें भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग माइनस सब्ट्रैक्शन में करें तो 5 - 2 करें 3 आएगा हमको आंसर, लेकिन 2 - 5 करें तो -3 आएगा। सेम आंसर नहीं हुआ ना तो नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हमको आंसर जैसे कि 3 × 5 या हम लोग 5 × 3 करें हमको आंसर एक ही आएगा 15, 15। हम लोग इसे ए बी में करते दिखाते हैं। a+b = b+a, a × b = b×a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग अभी तक 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोग। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, और तीसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये चौथी प्रॉपर्टी यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी को देना, डिस्ट्रीब्यूट करना ऐसे ऐसे, हाँ तो वही होता है। इसमें हम लोग करेंगे 789 × 101, तो ये बहुत लंबा चले जाएगा 789 × 101। हमको तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर स्टार स्टार सब मेक करने, बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी बनाई गई है कि अगर हम लोग 789 × 100+1 करें तो हमको इजी होगा। 789 × 100 कितना होता है, 789 × 100 = 789 × 00 00। अभी हम लोग प्लस वन मतलब 789 × 1, तो हम लोग इधर करेंगे 789 × 1 = 789। 0+9 = 9, 0+8 = 8, 9+7 = 16, 1 will go here, 9 and 7। So this will be the answer। हमको ये इजी होता है कि ये obviously ये, इसलिए ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। और हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें नंबर होते हैं, आपको ऐसे सुनते नहीं पता चल जाता है। जैसे कि हम लोग लाइन ऐसे बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। हम लोग नंबर लाइन में ऐड कर सकते हैं, हम लोग नंबर लाइन में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ऐड के बारे में। ऐड कैसे करना है, तो हम लोग अगर हम लोग कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं स्टार्टिंग में 3 + 5 = हमको पता है सबको 8 होता है। अभी हम लोग लंबर लाइन में कैसे करेंगे तो वो हमको देखना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला 3 है नंबर। अभी हमको नंबर लाइन में 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से हमको 5 और जंप करने, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या आया, 8। आंसर आया 8, क्योंकि हमको 5 जंप करना था तो हमको आंसर आया 8। वो ऐसे ही होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। चलो हम लोग वापस एक नंबर लाइन बनाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अभी हम लोग इसमें भी सिंपल सा नंबर ही लेते हैं, जैसे कि 4 × 3। 4 × 3 क्या होता है, 12, हमको पता है वो। लेकिन अगर हमको नंबर लाइन में करना है तो वो कैसे करते हैं? अभी हम लोग लेंगे सबसे पहला नंबर 4। 4 इधर से हम लोग जाएंगे तो क्या नंबर कितनी बार है ये, 3। तो हम लोग एक जंप में 3 करेंगे और 3 बार ही जंप करेंगे, मतलब एक टाइम में हम लोग 3 नंबर आगे बढ़ेंगे और 3 बार ही जंप करेंगे। जैसे 4 × 1, 2 and 3, तो हमको आंसर आया 12। तो इस ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। और अभी सबसे लास्ट है सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट है सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग अभी वो देखने वाले हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग कोई छोटा नंबर ही लेते हैं, जैसे कि 5 − 3। हमको इसका भी आंसर पता है 2 है, लेकिन अगर हमको नंबर लाइन में करना है तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? देखिए 5 − 3, तो हमको 3 टाइम पीछे जाना है, जैसे कि 3 जंप करने हैं हमको लेफ्ट साइड में। एडिशन में हम लोग राइट साइड में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लोग लेफ्ट साइड में करते हैं, जैसे कि 1, 2 and 3। और जो जिसमें भी हम लोग रुकेंगे वो होगा आंसर, वो होगा इसका आंसर। तो हम लोग एक बार नंबर लाइन के बारे में वापस देख लेते हैं। हम लोग नंबर लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमको ऐड करना है तो हमको जाना है राइट साइड में, और अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको जाना है लेफ्ट साइड में। ओके, और कभी भी नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर्स लेफ्ट साइड में होते हैं, बड़े नंबर्स राइट साइड में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, अलविदा। और आज जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और हमको इसमें जो भी हम लोग पढ़े हैं वैसा ही क्वेश्चन हमको कुछ बुक्स में आएंगे। ठीक है,